हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने डेली वेयर कुर्तियों, प्लाजो और पैंट सेट को कैसे आयरन करके रखें, वो भी ऑर्गेनाइज तरीके से। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने ली है एक कुर्ती सेट जिसमें कि कुर्ती और पैंट है। तो आज मैं इसको अच्छे से आपको आयरन करके दिखाऊँगी और बताऊँगी, और इसमें का पूरा प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊँगी कि आप इसको कैसे करें। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने कुर्ती ली है, और हमें कुर्ती को आयरन करने से पहले सबसे पहले इसकी स्लीव्स को आयरन करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह से हम इसके स्लीव्स को पहले ऐसे आयरन करेंगे। और आज इसके साथ साथ मैं आपको कुर्ती को दो तरीके से हम कैसे फोल्ड करके ऑर्गेनाइज़ करके रखें, ये चीज़ भी मैं आपको बताऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगी और यूज़फुल रहेगी आपके लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर से शेयर करिएगा, जिससे कि उनको भी इस वीडियो से थोड़ी सी हेल्प मिल सके। और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो। तो ये देखिए, तो अब मैं यहाँ पे इस कुर्ती की दूसरी आस्तीन को या स्लीव्स को ऐसे आयरन करूँगी इस तरह से। तो आप भी अपनी कुर्तियों को आयरन करने से पहले सबसे पहले इसकी दोनों स्लीव्स को ऐसे आयरन करेंगे कुछ इस तरह से। तो आप इसमें का सारा प्रोसेस खूब अच्छे से देख के समझ के फिर आप भी घर बैठे अपनी कुर्तियों को अच्छे से ऐसे आयरन करके ऑर्गेनाइज करके रख पाएंगी। तो ये देखिए, और अब इन दोनों स्लीव्स को करने के बाद हम इसके फ्रंट साइड को ऐसे आयरन करेंगे कुछ इस तरह से। तो ये देखिए, ये मेरी कुर्ती फ्रंट से हो गई है। अब मैं इसको बैक साइड से आयरन करूँगी कुछ इस तरह से। तो आप इस प्रोसेस को अच्छे से फॉलो करेंगी तो आप भी अपनी कुर्तियों को अच्छे से आयरन करके ऑर्गेनाइज तरीके से रख पाएंगी, और आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी आप इस तरह से करेंगी तो। तो ये देखिए, यहाँ मेरी कुर्ती पूरी तरह से आयरन हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे आपको पहला तरीका बताती हूँ कुर्ती को फोल्ड करने का। तो आप कुछ इस तरीके से अपनी कुर्ती को फोल्ड करेंगी। ये देखिए, आप अच्छे से इसको देखेंगी तो आपको समझ में आएगा कि मैं इसको कैसे कर रही हूँ, इसका प्रोसेस क्या है। तो ये बहुत ही ईजी है, आप इसको ईज़िली कर पाएंगी कुछ इस तरीके से। हम दोनों साइड से इसको फोल्ड करके, ये देखिए कुछ इस तरीके से हम इस कुर्ती को फोल्ड करेंगे और ऑर्गेनाइज तरीके से रखेंगे। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके से मैंने इसको आयरन करके फोल्ड कर लिया है, जो कि बहुत इजी वे है। और अब मैं आपको बताऊंगी इसके पैंट सेट को हम कैसे आयरन करेंगे। तो आप इसके जगह अगर आपको प्लाजो करना है, पैंट सेट करना है, या फिर आपको सलवार करनी है, तो आप इस तरीके से उसे भी अच्छे से आयरन करेंगे कुछ इस तरह से।
और अब मैं आपको इसे फोल्ड करना दिखा रही हूँ कि इसको हम कैसे फोल्ड करेंगे। तो कुछ इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे, दोनों साइड को एक करके इस तरह से। ये देखिए, तो ये देखिए इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम यहाँ पे ऐसे फोल्ड कर देंगे कुछ इस तरह से। तो ये देखिए यहाँ पे हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, इसका ऐसा प्रोसेस है, आप देख लीजिए इसको अच्छे से। तो अगर आप भी अपना पैंट सेट, अपना सलवार या प्लाजो करें आयरन, तो इसको ऐसे ही फोल्ड करें कुछ इस तरह से। एंड मैं आपको यहाँ पे ये करके दिखा रही हूँ कि अगर आप अपनी पैंट सेट और कुर्ती को ऐसे एक साथ में रखेंगे कुछ इस तरह से, तो आपको हमेशा इसको ढूंढने में, पहनने में आसानी रहेगी। ये एक साथ ही रहेगा ऑर्गेनाइज तरीके से। तो आप भी अगर अपनी कुर्ती और पैंट ऐसे सेट करके ऐसे ऑर्गेनाइज तरीके से रखेंगे तो आपको बहुत ही ईजी रहेगा इसको ढूँढने में और पहनने में। तो कुछ इस तरीके से हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। ये मेरा पहला मेथड था एंड मैं अब आपको बता रही हूँ इसका सेकंड मेथड कि हम इसको दूसरे तरीके से, एक और तरीके से इसको कैसे हम फोल्ड करेंगे अपनी कुर्ती को। तो ये देखिए, और ये वाला मेथड तो बहुत ही इजी है और ये बहुत कम टाइम में आसानी से हो जाता है, फोल्ड हो जाती है कुर्ती इसमें। तो आप अपनी कुर्तियों को कुछ इस तरीके से भी फोल्ड करके रख सकती हैं। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, इसकी दोनों स्लीव्स को हम ऐसे इस तरीके से एक साथ करके, यहाँ मैं आपको इसे दिखा रही हूँ, ऐसे इसको एक साथ करके तो फोल्ड करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। एंड अब मैं यहाँ पे इसके स्लीव्स को ऐसे फोल्ड करूँगी और जो यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट बचा हुआ है, थोड़ा ज़्यादा सा है, इसको यहाँ से हम ऐसे फोल्ड कर देंगे कुछ इस तरह से। उसके बाद हम इसको कुछ ऐसे तीन पार्ट में ऐसे फोल्ड करेंगे। तो बहुत ही इजी वे है अपनी कुर्तियों को फोल्ड करके रखने का। तो ये था मेरा दूसरा मेथड जो कि बहुत इजी था, बहुत आसान है। ये देखिए, मैं आपको यहाँ भी बता रही हूँ कि आप अपने कुर्ती और पैंट सेट को एक साथ कैसे रखें। तो कुछ इस तरह से हम कुर्ती के बीच में इसको, अपने पैंट सेट को ऐसे रखेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा, दोनों एक साथ में रहेंगे तो इजी रहेगा हमें पहनने में। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।